गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, दिस इज़ फॉर क्लास फाइव। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन MCQ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द फ्लोइंग। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन विच देयर आर फोर ऑप्शन एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। द रेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स क्या होगा इसका मतलब? डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इज कॉल्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इसको डी के साथ डी में टिक लगाइएगा। अब है विच ऑफ द फ्लोइंग क्लाइमेट रीजन इज लोकेटेड नियरेस्ट टू द पोल। द ट्यून्ड्रा रीजन जो होता है इसमें टिक लगाइए। द प्लेस इन इंडिया विच रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल, तो इसमें क्या होगा? सी में टिक लगाइए। द ट्री नॉट फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन, वैसा ट्री जो कि इक्वेटोरियल क्षेत्र में नहीं पाया जाता वो कौन है? पाइन है। इक्वेटोरियल क्षेत्र में महोगनी, इबोनी, रोजवुड आदि पाया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड इन, इसमें क्या होगा? समर में, ये हॉट डिजर्ट में होता है। समर में डेज हॉट होते हैं और नाइट कोल्ड होते हैं। ब्लैंक इज डिफाइंड एज कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर ऑफ ए गिवन टेम्परेचर। वेदर क्या करता है? डिफाइन करता है किसी भी जगह का कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर का। ब्लैंक ब्रिज ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, जो लैंड ब्रिज होते हैं जो लैंड से सी की ओर वहता है। हिल स्टेशन हैव क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट होता है? तो यहाँ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होते हैं। ब्लैंक जोन रिमेंस वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, फ्रिगिट जोन जो होता है सालों भर क्या होता है? वहाँ ठंड रहता है। क्वेश्चन नंबर सी आपको खुद से करनी है, ट्रू और फॉल्स। मैच द फ्लोइंग, दिल्ली को एक्सट्रीम क्लाइमेट के साथ मैच कीजिए क्योंकि ठंड में यहाँ ज़्यादा ठंड पड़ता और गर्म में ज़्यादा। मुंबई को फोर्थ के साथ मैच कीजिए, मॉडरेट क्लाइमेट वहाँ होता है। ले हाई एल्टीट्यूड और टॉरिड को अदर साइड्स ऑफ इक्वेटर ये होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप लोगों को बुक में ही फिल करना है और फिल करने के बाद आपको ग्रुप में भेज देना ताकि मैं चेक कर लूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स टू यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे अहेड।